अरे कोच साहब, कोई सप्लीमेंट बताओ ना जिससे मेरी मसल्स भी बढ़े और वेट भी गेन हो। अच्छा तो लिख, तुझे मेन मेन बता देता हूँ। बताओ। वे प्रोटीन। ओके, अभी रुक तो सही, और तो लिख। अच्छा और भी है, बताओ। क्रिएटिन। ओके, ग्लूटामाइन। ओके, BCAA, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन। और लास्ट सिट्रिनिल मैलेड। तो है गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। तो ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, पर क्या वो सप्लीमेंट आपको इतना ही बेनिफिट देते हैं जितना कि आप उन पर ट्रस्ट करते हो? तो स्वागत है आज की हमारी न्यू वीडियो में। जैसा कि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से DM और कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें भी अपना वेट गेन या मसल बिल्ड करना है तो हमें भी कोई तरीका बताओ, तो आज ये वीडियो उसी टॉपिक पर है। और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, मेरी प्रोफाइल ये है, जाके अभी फॉलो करो और मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप DM कर सकते हो। आप सभी जाकर जरूर फॉलो करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करेंगे हम आज कैलोरीज डेंस फूड से, और इन्हें मैं कहता हूँ एक्स फैक्टर फूड। क्यों? क्योंकि जब हमें मसल बिल्ड करनी होती है या गेनिंग करनी होती है तो जो कैलोरीज हैं हमें वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी होती हैं। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में ज़्यादा बात होती रहती है, लेकिन जो कैलोरीज डेंस फूड होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आप उन्हें कम क्वांटिटी में भी लेंगे तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज मिल जाती हैं, जो कि आपकी मसल बिल्डिंग गोल्स में आपकी हेल्प करता है। तो सबसे पहला जो कैलोरीज डेंस फूड होने वाला है वो है हमारा फर्स्ट होल एग। और एक होल एग में होती है हमारी 66 कैलोरीज और 6 ग्राम ऑफ हाई प्रोटीन, 2 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 5 ग्राम ऑफ हेल्दी फैट। और आप पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 होल एग खा सकते हैं, एंड आप इसे बॉईल करके भी खा सकते हैं या हाफ बॉईल करके भी खा सकते हैं, या इसकी ऑमलेट बना के ले सकते हैं या इसकी भुजिया बना के खा सकते हैं। और सेकंड है आपका पीनट बटर। पीनट बटर के सिर्फ 2 चम्मच में ऑलमोस्ट आपको 200 कैलोरीज मिलती हैं, एंड 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, एंड 16 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट आपको मिल जाता है, एंड 8 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको इसमें मिल जाता है। और इसे आप ब्रेड पर भी लगाकर खा सकते हैं या अपने बनाना शेक में भी ले सकते हैं, या इसे आप ओटमील या दलिया में भी ऐड करके ले सकते हैं, या कोई भी मील के साथ आप 1 चम्मच ऐसे ही ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फूड सोर्स है और वो हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होता है, दैट इज होल मिल्क। 1 गिलास दूध में आपको मिलती है 150 कैलोरीज, 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 8 ग्राम्स ऑफ फैट एंड 8 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। दिन में सिर्फ 2 गिलास पीने से आपको 300 कैलोरीज मिल जाती है और 16 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपका कम्प्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट है पनीर। 100 ग्राम पनीर में आपको 265 कैलोरीज मिल जाती हैं, 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 20 ग्राम ऑफ फैट्स एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको इसमें मिल जाता है। और आप इसे कई तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, सब्जी बनाकर या ब्रेड सैंडविच में लगाकर या भुजी बनाकर खा सकते हैं। और अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स। क्यों? क्योंकि मसल बनाने के लिए आपको जिम में हैवी वेट उठाना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना जरूरी है, लेकिन हैवी वेट उठाने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आएगी कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन या फैट से नहीं, ज़्यादा एनर्जी आएगी कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए इन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हो। और जिम में और अगर आप स्ट्रांग होंगे तभी आप अपनी मसल बिल्ड कर सकते हो। और इसमें आपका पहले नंबर पर आता है बनाना। बनाना इज ए इजी एंड चीप सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 1 केले से आपको मिलती हैं 110 कैलोरीज, 28 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और ये आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है और पोटाशियम भी होता है। एक हेल्दी आदमी दिन में कम से कम 3 से 4 केले कंज्यूम कर सकता है अपनी कार्बोहाइड्रेट मील को अप करने के लिए। और जो अब नेक्स्ट फूड सोर्स है वो एक इजी एंड चीप सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, और वो है पोटैटोज। पोटैटोज आसानी से डाइजेस्ट होते हैं और इसके 100 ग्राम पोटैटोज में आपको 77 कैलोरीज मिलती हैं, 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है एंड 17 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और अब बारी आती है प्रोटीन की, जो कि हमारी मसल्स को रिकवरी करने में बहुत हेल्प करता है। वैसे मार्केट में बहुत से प्रोटीन पाउडर अवेलेबल हैं, लेकिन जो आपको बेटर लगे आप वो लेना। और जो बिगिनर्स लेवल के हैं या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं फिर तो वो अपने घर में ही एक हाई प्रोटीन शेक बना सकते हैं, और वो कैसे बनाना है इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है, आप जाकर देखो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखना। और अगर आपको वेट बढ़ाना है तो उसका सिंपल एक वन एंड ओनली तरीका है, आपको एक कैलोरी सरप्लस में खाना होगा, जिसके लिए आपको अपनी मेंटेन्स कैलोरी पता होनी चाहिए।
और मेंटेन्स कैलोरी उसे कहते हैं जिसे कंज्यूम करने से ना तो आपका वेट बढ़ेगा ना ही आपका वेट घटेगा। आप सिंपली एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर की हेल्प से अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप जाकर देख लेना। अब एग्जांपल के लिए सपोज करो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आई 2300, तो उन कैलोरीज को हम 200 के सरप्लस से बढ़ा देंगे जो आएगी 2500 कैलोरीज, और उन 200 कैलोरीज की हेल्प से आपके बॉडी मसल मास गेन करेगी और इसे कहते हैं कैलोरी सरप्लस। और ये थी कुछ बातें जिसे फॉलो करके आप अपनी मसल बिल्ड कर सकते हो और अपने वेट भी गेन कर सकते हो। तो ये वीडियो इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो ये बेल आइकन है इसको भी दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।